इनका जो संघर्ष है और उनके साथ जो हुआ है सबको लेकर हम लोगों की लड़ाई थी और इन सबके प्रति मैं आप सॉलिडरिटी व्यक्त करता हूँ और मैं इसी नाते यहाँ पर आया हूँ। असल में वो ही राय समय कि जब राज्य वह कमजोर हो रहा है अंदर से, इसलिए जिसके पास भी ताकत आ रही है वो अपनी ताकत का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले हद से हद जब राय एक फिल्म बनाते थे नर्सों के बारे में कुछ होता था तो प्रदर्शन हो जाता था एक उनका, या एक सईद मिर्जा बुलाकर एक शिवसेना का गुंडा जो है कहता था तुम ठीक से काम करो, तो इस तरह की बातें। अब स्थिति यह है कि पहले राज्य द्वारा संरक्षित जो संगठन है उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया, लोगों के दमन का, वो चाहे बंगलुरु की घटनाएं हों, बंगलुरु में चाहे वैलेंटाइन डे की घटनाएं हों, तो राज्य द्वारा संरक्षित जो संगठन है बजरंग दल वगैरह वगैरह, इन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया लोगों को डराने धमकाने पीटने का, और सामाजिक तौर पर माफिया के माफिया जो काम करता है उस तरह से काम है शुरू किया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं राज्य खुद आ गया है और ये घटनाएं मसलन हुसैन साहब के यहाँ तोड़फोड़ करना, उनके पेंटिंग्स को ये करना, दोषी को ये करना, तो ये सब राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन जो थे वो सब ये काम करते थे। अब हम देख रहे हैं कि राज्य खुद आ गया है, वो चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार हो या चाहे संतोष त्रिवेदी का मामला हो, सुधीर धमले का मामला हो, शीतल साठे का मामला हो, जीतन मरांडी का मामला हो या कमल भारती का मामला हो, तो इसमें जो राज्य का जो ताकतवर आदमी है, राज्य का जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद आकर के जो है इस तरह की घटनाएं कर रहा है, ये एक नई घटना है और मुझे लगता है कि बड़ी अलार्मिंग है हमारे लोकतंत्र के लिए, खासकर इसलिए कि जब भी पूरा लोकतंत्र एक माफिया तंत्र में बदल रहा हो बहुत तेजी से, तो एक तो ये बहुत अलार्मिंग है और दूसरी बात ये है कि राज्य कमजोर हो गया है, इसलिए राज्य में जो भी सत्ता में आ रहा है और राज्य का शासन जिसके भी हाथ में आ रहा है वो ये सोच रहा है कि मैं मैक्सिमम पावर का इसमें इस्तेमाल कर लूँ, चाहे पावर पैसा कमाने के लिए हो, चाहे पीड़ित करने के लिए हो, चाहे विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए हो, तो ये मुझे लगता है कि ये संकेत इस तरह के हैं कि जो कि भारतीय लोकतंत्र में पहले कभी नहीं थे और ये अभी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब जैसे जैसे आज़ादियाँ बढ़ रही हैं और जैसे जैसे लोगों की अस्मिता का संघर्ष बढ़ रहा है ये घटनाएँ बढ़ती जाएंगी, इसलिए